तो गाइस फिर से आ गया और एक न्यू एआई इमेजेस को लेकर। तो आज की एआई इमेजेस थोड़ा सा ऐसा होने वाली है, बोले तो आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट 3D एआई इमेजेस। तो इमेजेस तो क्रिएट करोगे बट आपके दिमाग में एक बात आ जाता है, प्रॉम्प्ट को कैसे ऐड करें। तो प्रॉम्प्ट को ऐड करने के लिए इतना सोचने की कोई बात नहीं है, वीडियो को एंड तक देखते रहो और अभी के लिए फिलहाल सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो आपके मोबाइल स्क्रीन पे चले जाओ पैदल। तो गाइस आपके स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पर आपको गूगल देखने को मिल जाता है, तो गूगल को ओपन कर लेना है सिंपल सा। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन में BING करके सर्च कर लेना होगा, तो उसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इमेज क्रिएटर, तो इमेज क्रिएटर में आप लोग को सिंपल सा क्लिक करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं क्लिक करता हूँ, करने के बाद यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है उसको क्रिएट कर लेना है ईमेल और पासवर्ड देकर। तो प्रॉम्प्ट के लिए मेरे फेसबुक पेज में आना पड़ेगा, तो फेसबुक पेज में आने के बाद यहाँ पर लाइक वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर लाइक कर देना। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद यहाँ पर इमेज मिलेगा, तो इमेज के ऊपर ही आपको कैप्शन मिलेगा, तो कैप्शन में क्लिक करना, उसको कॉपी कर लेना। तो उसको कॉपी कर लोगे तो आपका प्रॉम्प्ट कॉपी हो जाएगा। तो बोलो तो सिंपल सा प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाता है, तो प्रॉम्प्ट को यहाँ पर से आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना होगा। तो यहाँ पर से आपको जो लड़की का है यहाँ पर से लड़की का कोई भी दे देना, तो लड़की का मैं क्यों दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर तो किंग का के दे रहा हूँ, बोले तो लड़का का दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसे ही आप लड़का हो तो भाई आपको लेफ्ट साइड और आप लड़की हो तो राइट साइड को यहाँ पर से कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर से दोनों का नेम दे देना, यहाँ पर से और भी नेम बढ़ा भी सकते हो और छोटा भी रख सकते हो, जितना छोटा रखोगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है वो प्रॉम्प्ट को। तो प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्रिएट कर लेना, तो क्रिएट करने के बाद ही आपका ऐसा इमेजेस होके आ जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पर से 3 डॉट में क्लिक करना और उसके बाद डाउनलोड कर लेना। तो बहुत इजी प्रोसेस है बट बहुत झंझट भी है। तो चलो लाइक करो यार।